हेलो भाभी। हाय। हेलो सर। सपना, मैं तुम्हारा और आरती का बॉस सिर्फ ऑफिस में, घर पे ओनली राहुल। ओके सर, आई मीन राहुल। अरे आरती, ये फ्रैक्चर कैसे हुआ? पूछ मत यार, बैठे बिठाए काम खराब हो गया। सपना, तुम लोग बातें करो, हम लोग चलते हैं। कुछ भी चाहिए तो आवाज लगा देना। चले देवर जी। एक्चुअली मैं ना तुझे यहाँ पे एक बैड न्यूज देने आई हूँ। मेरे फ्रैक्चर से भी ज्यादा बैड है क्या? क्या हुआ सपना, बोलो। तुझे याद है ना, सुरेश अपने अंकल आंटी के साथ रहता था। हाँ। तुझे पता है उसके अंकल का किसी ने मर्डर कर दिया? What? तेरे को पता है? वो अपने ही घर में, अपने लॉन में लटके हुए मिले यार, बैम्बू स्टिक के साथ। यार वो क्या कहते हैं यार, वो जिसको एक बैम्बू स्टिक लगाई जाती है और परिंदे उड़ाने के लिए एक स्केयरक्रो, या स्केयरक्रो की तरह लटके हुए मिले वो। Oh my God. और सुरेश वो कैसा है? पता नहीं यार वो कैसा है, और ये भी नहीं पता यार किसने किया है। सुरेश भी कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है, हो सकता है उसे अपने अंकल के बारे में पता ही ना हो। पता नहीं सुरेश की आंटी ये सब कैसे हैंडल कर रही होगी। दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? मुझे निकालो यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। इस कंपटीटिव मार्केट में हमें हमारे ऑर्डर्स जल्द से जल्द पूरे करने चाहिए। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ग्रोथ बहुत ही स्लो थी, पर उस पर भी उम्मीद कायम है। ऐसा क्या देख लिया आप लोग ने, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? किसने किया ये सब? किसने किया? Nonsense. किसने किया ये सब? किसने किया? यू थिंक इट्स अ जोक? मजाक है ये? पहले वहां कॉन्फ्रेंस रूम में और उसके बाद मेरे कैबिन में। किसने किया? नो आंसर? ठीक है, अब मैं ही देखता हूं, और जिस किसी ने भी ये किया होगा ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेट्स सी टू इट। डिस्गस्टिंग। छोटू, ये कौवे यहाँ पर ऐसे ही रहते हैं क्या? इनके काँव काँव ने मेरा सिर दुखा दिया है। हे आरती, कैसा रहा तुम्हारा दिन? And I'm sure कि दर्द थोड़ा कम है। हाँ, पहले से ठीक है। मेरा छोड़ो, मेरा दिन तो बहुत ही बोरिंग था, तुम्हारा कैसा रहा? पूछो मत यार। ऐसा क्या हुआ? एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के बीच में
किसी ने स्केयरक्रो की फोटोज डाल दी। व्हाट? शायद किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। हो सकता है, पर उसके बाद मुझे मेरे कैबिन के ड्रॉअर में एक मरा हुआ क्रो मिला। ऐसी सिख हरकत कौन कर सकता है तुम्हारे साथ? उसके बाद बहुत सारे कौवे मेरे ऑफिस के विंडो के आसपास घूमने लगे और उनकी आवाज इतनी इरिटेटिंग थी कि काम भी नहीं कर पाया मैं कुछ। बड़ी अजीब बात है राहुल, यहाँ पर भी मुझे कौवों ने परेशान करके रखा है और तुम्हारे साथ भी। पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवे, कल बहुत ही हेक्टिक डे है। आई थिंक तुम्हें आराम करना चाहिए। टाइम पे सो जाना। गुड नाइट। चल छोटू, चाची को सोने दे। कम ऑन, आ जा। अंदर कैसे आ गया? ये कैसी आवाज है? इतने सारे कौवे इस वक्त? Damn it! इसे यहां कौन लाया?
प्लीज बस। सब कुछ इतने अचानक से हो गया, सब कुछ खत्म हो गया सपना, सब कुछ खत्म हो गया। हिम्मत रख आरती, प्लीज हिम्मत रख यार। आखिर किसने किया होगा राहुल के साथ ऐसा? उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तुझे ये सब अजीब नहीं लगता है? सुरेश के अंकल की भी डेड बॉडी वैसी ही मिली थी जैसे राहुल सर की मिली थी। सुरेश का कोई अता पता भी नहीं है, किसी को ऑफिस में नहीं पता है कि वो कहाँ है। तुझे कुछ डाउट नहीं आता इन बातों पे? तू ठीक कह रही है सपना, बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। पहले हमें सुरेश के बारे में पता करना होगा। हर वक्त इन कौओं के शोर ने मुझे परेशान करके रखा है। एक ही तरीके से दो लोगों की मौत हो जाना, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ है।